नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा बड़ा खुलासा। थाना मुंशीगंज पुलिस व एसओजी अमेठी द्वारा हत्या का खुलासा। हत्या में प्रयुक्त वाहन के साथ दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री विनोद कुमार पांडे द्वारा दी गई जानकारी। आइए आपको ले चलते हैं पुलिस अधीक्षक अमेठी के पास और सुनते हैं उनका क्या कहना है। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, धनंजय पांडे की रिपोर्ट। सर, मुंशीगंज में एक्सीडेंट करके एक हत्या का मामला प्रकाश में आया था, परिजनों ने आरोप लगाया था, आज उसका अनावरण कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? जैसा कि आप जानते हैं कि रिटायर्ड फौजी की हत्या थाना मुंशीगंज क्षेत्र में की गई थी और ये पुलिस के लिए चैलेंज है। इसे देखते हुए हमने 4 टीमें लगाई थी और इस दरमियान पुलिस ने उस अज्ञात गाड़ी की खोज करने के लिए पिकअप की लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाला, सैकड़ों फुटेज देखे गए और गाड़ी का पता लगाया। इसी क्रम में गाड़ी के साथ दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और आपको बता दें इस घटना की कैसे गहरी साजिश रची गई है जो फिल्मी स्टाइल में है। इस घटना को करने के लिए दो नए मोबाइल खरीदे गए, दो नए सिम खरीदे गए, जिससे कि घटना की जानकारी पुलिस को न होने पाए और हम पकड़े न जाए। इसके लिए एक श्याम बिहारी शुक्ला नामक एक आदमी को, ये जो गल्लन है विजय प्रताप सिंह जो मुख्य अभियुक्त हैं, इन्होंने इसके नाम से गाड़ी खरीदवाई जिसका पैसा 1,50,000 उन्होंने खुद दिया और कहा कि अगर तुम एक्सीडेंट करके मार दोगे तो ये गाड़ी तुम्हारी हो जाएगी। इस लालच में इसने इस घटना को अंजाम दिया और ये दोनों बात करते रहे। इस घटना में इनके बड़े भाई उदय प्रताप सिंह जो प्रधानपति हैं, इनकी भी सहभागिता है। इन्होंने ये दिखाने के लिए कि मैं घटना के दिन घर पर ही था, लगातार सीसीटीवी फुटेज के अंदर बैठे रहे। इस प्रकार ये घटना पूरी तरह तैयारी से प्लानिंग करके की गई है, जिसमें पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है और घटना का बिल्कुल सही और शीघ्र ही खुलासा कर दिया है। इसे देखते हुए पुलिस टीम को 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज।